ये करें कोफ्ता चने और साथ ही है कुलचा और ये इन्होंने दिया रायता। ये इसके अंदर जो है सारा खोया और ऊपर जो है साथ इन्होंने हलवे के साथ जो है सर्व किया हुआ, तो इससे ये बहुत ज़्यादा जो है मीठा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एंड द व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ इस टाइम अनार कली में और हमारी जो अंदरून लाहौर एक्सप्लोर करने का जो है ये आज का पार्ट टू आए हुए अनार कली। इधर हम मुख्तलिफ नाश्ते जो हैं ट्राई करेंगे और उनको एक्सप्लोर करेंगे कौन सा नाश्ता जो है ट्राई करना चाहिए। इसी के ऊपर मैंने पार्ट वन बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा आपको लिंक यहाँ पर आ रहा होगा, उसको भी आप जाके ट्राई करें। तो सबसे पहले हम जो चने ट्राई करेंगे यहाँ पर बाबर खोए चने, वो ट्राई करते हैं और उसके बाद फिर हम ऐसा ऐसा जो है मज़ीद नाश्ते की चीज़ें एक्सप्लोर करें। सबसे पहले जो हम ट्राई करने लगे हैं वो है बाबर खोए वाले मटन चने। अच्छा ये करें कोफ्ता चने और साथ ही है कुलचा और ये इन्होंने दिया रायता। अच्छा बिल्कुल क्रिस्पी है कुलचा और ये है चने। पहले हम इसे कोफ्ते को जो है ट्राई करते हैं, इसके चने जो है चिकन भी है इस चने। थोड़े मसाले वाले चने, लाल मिर्च मुझे इसमें फील हो रही है और थोड़ा सा जो है ना थोड़े स्पाइसेस जो होते हैं ना उस तरह के स्पाइसी है। साथ हमने कराया इसके पराठा और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये इसको हम करते हैं पराठा के साथ। यूनिक से टेस्ट आ रहा है। एक जो है वो हम बनाते हैं हैवी सीने वाला कोफ्ता पराठा। नान के साथ ना बिल्कुल सेम, लेकिन जो पराठे के साथ मज़ा आ रहा है ना बहुत कम आ गया। ये पराठे के साथ हाईली रिकमेंडेड है। ये नान के साथ नहीं मज़ा आया, लेकिन जो पराठे के साथ फील है ना इसकी बहुत कम आ गया। अगली चीज़ हम ट्राई करने लगे हैं वो हाजी इमाम हलवा पूरी। तो इनकी हलवा पूरी इस तरह से होती है, एक मीठा पूरा जो है वो बहुत मशहूर है, आटे वाली पूरी है यहाँ पर मिलती है। ये है बिल्कुल मेरे पीछे, ये भी ओल्ड अनार कली में। हम करते हैं इसको ट्राई और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसा टेस्ट है। जो हमने पूरे लगवाए हैं ये हैं आटे वाले, एक दूसरे वो मैदे वाले होते हैं, लेकिन ये हमने ढूंढे हैं भाई आटे वाले, इनको करते हैं हम ट्राई। बहुत ज़्यादा गर्म है ये और इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है। मैदे वाली जो होती है ना वो बहुत हल्की होती है, लेकिन ये जो आटे वाली है इस वजह से थोड़ी हैवी किस्म की। पहले हलवे के साथ जो है हम इसे करते हैं ट्राई, हलवा कैसा। हलवा जो है अच्छा खासा मीठा हलवा है। एक जो पिछले मैंने किया था नाश्ते वाला उसके अंदर उनका हलवा इतना मीठा नहीं था, तो अच्छा खासा मीठा जो होता है ना हलवा उस तरह का है। लेकिन इसको चने के साथ जो है हम ट्राई करते हैं। पहले खाली चने और चने के किस तरह चने हैं प्याज आलू ये जिस तरह से हिस्सा होता है उसी तरह से ही वो करते हैं ट्राई। इनके चने स्पाइसी हैं, मतलब रेड चिली का जो है हमें टेस्ट आ रहा है और अच्छा अच्छी खासी स्पाइसी है ये चने जो है। लेकिन इसका मेरे ख्याल से कम्बिनेशन मतलब इस ऐसे ही बनेगा, क्योंकि ये हलवा जो है मीठा ज़्यादा है और ये हलवा जो है इनका मीठा है और ये है स्पाइसी चने। एक प्रॉपर देखते हैं कि चीज़ बैलेंस होती है नहीं। मच्छियाँ बहुत अच्छे भी नहीं,
लेकिन जो है टेस्ट सही है इनका, कम्बिनेशन मुझे थोड़ा सही लगा। बस चने स्पाइसी अभी भी लग रहे हैं मुझे, मैंने हलवा और जो इनका पूरा वाला एक्सपीरियंस है वो बहुत कमाल था, अच्छे हैं, लेकिन चनों की तरफ से हुई हम स्पाइसी फील देते हैं बहुत ज़्यादा, और हलवा काफ़ी अच्छा है इनका। और जो आटे वाली पूरी है ना वो एक अच्छी चीज़ है, मतलब ये थोड़ी सी हैवी सी होती है जैसे मैदे वाली होती है ना, बहुत ज़्यादा हल्की, लेकिन ये इस तरह की है कि काफ़ी जो आप जो है टेस्ट अच्छा है इसका। एक और जो चीज़ हमने इधर ऑर्डर दी हुई है वो है मीठी पूरी, वो भी आती है तो मैं आपको ट्राई कराता हूँ कैसा है वो। अच्छा ये जो है हमने दूसरी चीज़ मंगवाई है मीठी पूरी, इसके खोए की पूरी है एक तरह से, इसके अंदर खोया है और बाहर जो है मीठी पूरी, और वो सर्व करते हैं हलवे के साथ। जो हमने पिछली ट्राई की थी उसमें खाली मीठी पूरी थी, लेकिन इसके अंदर जो है हलवा भी इन्होंने ऊपर डाला हुआ है। किस तरह से है ये चेक करते हैं हम, बड़े यूनिक जो सर्विंग है इसकी। अच्छा ये करते हैं ट्राई, इतना मीठा मैंने पूरी ज़िंदगी नहीं खाया ना जितना आज ट्राई कर लिया। इसके अंदर ना देसी घी की फील आ रही है मुझे, पहला बाइट इसका लिया ना मैंने देसी घी की फील आ रही थी, और अब दूसरे के अंदर चेक करते हैं। बहुत मीठा है, बहुत ज़्यादा, उसके अंदर खोए जो पूरी है उसके अंदर खोए, और सर्व भी करते हैं ये हलवे के साथ। जो मीठा खाते हैं उनके लिए कमाल की चीज़ें, लेकिन क्योंकि मुझे मीठा नहीं पसंद, ये इसके अंदर जो है सारा खोए और ऊपर जो है साथ इन्होंने हलवे के साथ जो है सर्व किया, काफ़ी मीठा, अच्छा खासा किस्म का मीठा ये। जो मीठा खाने वाले हैं उनके लिए तो मज़े की चीज़ है। अच्छा अगर मैं आपको इसकी लोकेशन समझाऊँ तो इस तरह से है, जो बारिस निहारी है ना उसी गली में बस थोड़ा सा आके ये राइट साइड के ऊपर, ये है सात बारिश निहारी, और इसके ये है बैक साइड पे मैं हाजी इमाम हलवा पूरी। अच्छा ये है लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन। अगली चीज़ जो हम ट्राई करने लगे हैं वो है हलीम। ये हलीम वाली जगह जो है इधर सामने बैठते हैं अंकल, तो मैं जाते हुए देखता था कि बहुत ज़्यादा जो है इधर रश होता था, तो अभी हम ट्राई करते हैं इनके हलीम और चेक करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। इसके साथ ही अभी लस्सी वाला भी खड़े, नमकीन लस्सी, और उसको भी हम जो है ट्राई करते हैं। ये है हलीम, थोड़ी स्पाइसी है लेकिन ये है तो बड़ी मज़ेदार है। इसका एक बाइट लेते हैं हम हर चीज़ को कंबाइन करके। बहुत अच्छी है, स्पाइसी है और इतनी ज़्यादा थिक हलीम होती है ना उस तरह से नहीं है, टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। रश देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा जो है रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी लोग जो हैं बैठे हैं। सुबह का टाइम है, तकरीबन टाइम हो रहा है 7 बजे आते हैं ये, और अच्छा खासा जो है रश है यहाँ पे। तो हलीम का टेस्ट इस तरह से था, थोड़ी सी मतलब वो है कैसे स्पाइसी थी, एक बहुत थिक हलीम होती है ना उस तरह से नहीं थी, तो थिक हलीम होती है ना उस तरह से नहीं थी, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो आज की हम अपनी नाश्ता व्लॉग को करते हैं इधर एंड, कल मिलेंगे नए दिन के साथ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, और अगर तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो जो है मिल सके।